दोस्तों FBA क्या होता है, FBA में अकाउंट कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं ईकॉम यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों FBA यानी कि फुलफिल बाय Amazon। देखिए Amazon में ना दो प्रकार के सेलर्स होते हैं, एक होते हैं रिटेलर्स जो कि Amazon में अपना सेलर अकाउंट ओपन करके और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और इन्वेंटरी मैनेज करते हैं, लेकिन मेरे नजरिए से देखें तो वो थोड़ा सा लो कैटेगरी में ही आते हैं वह सेलर्स, क्योंकि वह FBA में अभी मूव नहीं हुए हैं। और FBA Amazon का एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां पर सेलर अकाउंट बनाकर अपने ही प्रोडक्ट को Amazon में ही सेल कर सकता है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा वह फ्रीडम हो जाता है, उसके पास में काफी वक्त जाता है और वह ज्यादा पैसे छाप सकता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला कि FBA Amazon का ही प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले मैं आपको इसमें अंतर बतला देता हूँ। देखिए जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि Amazon में भी हम अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो वह Amazon.in में जाकर के सबसे पहले अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करता है, उसके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करता है, प्राइस डालने के बाद ऑर्डर प्राप्त करता है और उसे डिस्पैच करता है, और उसका जो भी पेमेंट मंथ आता है तो पेमेंट रिसीव कर लेता है। तो ये तो हो गए नॉर्मल सेलर, लेकिन इसके ऊपर आते हैं हाई सेलर। हाई सेलर में अक्सर क्या होता है, वह भी Amazon के ही सेलर है, बस पहले वाले सेलर में और सेकेंड FBA के सेलर में क्या फर्क होता है। फर्स्ट वाले सेलर की हम बात करें तो यहाँ पर उसे ही सारे प्रोडक्ट खरीद कर अपने ही वेयर हाउस शॉप या फिर गोदाम में रखने होते हैं, अब वह खुद ही काम करे या फिर वर्कर्स लगाकर काम करे, कंप्यूटर लैपटॉप प्रिंटर इन सभी की भी उसे जरूरत होती है। साथ में अगर यदि वह कभी छुट्टी लेना चाहता है खुद की फैमिली के लिए वेकेशन में या किसी शादी पार्टी में, तो वह ऑर्डर के कारण कहीं लंबी छुट्टी पर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर यदि वह ऐसा करता है और ऑर्डर डिस्पैच नहीं कर पाता तो पेनल्टी भी उस पे लगाई जाती है और साथ ही साथ सेलर रेटिंग भी गिरती है। लेकिन वहीं पर हम बात करें FBA की, तो अगर यदि यही नॉर्मल सेलर FBA में रजिस्टर हो जाता है तो अब यहाँ पर उसका काम 90% कम हो जाता है, यानी कि उस सेलर ने अपने जो भी प्रोडक्ट है वह प्रोडक्ट लाकर अपॉइंटमेंट लेकर Amazon के वेयर हाउस में रखवा दिए हैं। अब यहाँ पर वह सिर्फ और सिर्फ अपनी इन्वेंटरी मैनेज करेगा कि जो प्रोडक्ट उसने Amazon के वेयर हाउस में रखवाए हैं उनकी क्वांटिटी क्या है, और वह वहाँ देख सकता है कि कितने सेल हुए हैं, कितने अभी बचे हुए हैं, और कस्टमर के रिव्यू वगैरह भी देख सकता है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि इसमें बोझ कैसे हल्का हो गया, तो चलिए अभी मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। अब देखिए सेकंड वाले FBA सेलर को यहाँ पर कितनी सुविधाएं दी जाती है। FBA सेलर प्रोडक्ट ला करके Amazon के वेयर हाउस में उसने रखवा दिया, अब उसे जो भी ऑर्डर आते हैं तो वह उसे फुलफिल नहीं करना है, अब वह Amazon के वेयर हाउस में जा चुका है, तो Amazon की टीम यानी कि वर्कर जो भी हैं वेयर हाउस के वही सारा मैनेज करेंगे, ऑर्डर रिसीव करेंगे, पैक करने के बाद लेबल वगैरह लगाने के बाद उसे डिस्पैच कर देंगे और सीधे ही आपके Amazon वॉलेट अकाउंट में उसका पेमेंट शो करने लगेगा, और साथ ही साथ आप उस ऑर्डर को यहाँ से ट्रैक भी कर पाएंगे, तो यानी कि 90% काम यहाँ पर आपका बच जाता है। अब आप अपने इस बचे हुए समय में कोई दूसरा काम कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान वैसे नहीं है कि लॉस वाले नुकसान, नहीं वैसे नहीं है। मैं आपको बता दूं आज Amazon पर 90% से भी ज्यादा FBA सेलर हैं, यानी कि जितने भी सेलर्स हैं उन्होंने FBA में ही अपना अकाउंट मूव कर लिया है और वहां से ही वह सारा काम कर रहे हैं। प्रूफ के तौर पर आप ये वाला वीडियो देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर Amazon ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट, कोई भी का मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ये वह प्रोडक्ट है और यहाँ पे सारी उसकी प्राइसिंग डिटेल्स वगैरह है, और यहाँ पर देखेंगे सेलर का नेम भी शो हो रहा है कि किस सेलर के द्वारा यह प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है, और साथ में यहाँ पर देखेंगे फुलफिल्ड बाय Amazon, यानी कि यह जो सेलर्स हैं इन्होंने भी अपने सारे प्रोडक्ट्स Amazon वेयर हाउस में रखे हुए हैं और ये Amazon के द्वारा फुलफिल्ड किए जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये Amazon बिजनेस अकाउंट है, जो कि मैंने आपको B2B कहा था, क्योंकि मैं अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मैं Amazon बिजनेस से ही मंगवाता हूँ, जिनके प्राइस सही होते हैं और जिनके प्राइस थोड़ा सा मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले हाई लगते हैं, तो फिर मैं उसे यहाँ से नहीं खरीदता। तो यहाँ पर आप B2B में भी प्राइस देखेंगे तो ये Amazon द्वारा ही फुलफिल्ड किए जा रहे हैं। ये तो था Amazon बिजनेस। अब मैं आपको Amazon कस्टमर वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, यानी कि B2C प्लेटफॉर्म पर, जहाँ से आम नागरिक अपने सभी वस्तुएं खरीदता है Amazon पर। तो यह है वह वेबसाइट, जो पहले वाली वेबसाइट थी वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस से थी और यह कस्टमर पर्पस से है। अब यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी का मतलब कोई भी प्रोडक्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे सारे के सारे प्रोडक्ट है ना भाई, यहाँ पर देखेंगे सेलर के नाम आ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए यह सेलर भी FBA के थ्रू से ही भाई प्रोडक्ट अपने सेल कर रहा है। FBA के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को सेल करने में भाई सबसे ज्यादा तो यहाँ पर इसकी रेटिंग अच्छी मिलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई कि आपको जैसे भी ऑर्डर रिसीव होता है ना, तो
तुरंत ही वह पैक करके डिस्पैच कर दिया जाता है। इसके और भी कई सारे फायदे हैं, जैसे कि मुझे अब मोबाइल का स्क्रीन गार्ड मंगवाना है तो ऑर्डर करते वक्त यहाँ डिलीवरी टाइम भी दिया होता है कि यह प्रोडक्ट आपको कितने दिन में पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 8 से 26 घंटे के अंदर ये मेरा प्रोडक्ट पहुंचा दिया जाएगा। इतनी जल्दी इसलिए क्योंकि यह अमेज़न के द्वारा फुलफिल्ड किया जा रहा है। अब कस्टमर क्या करता है, समय देखते हुए यही प्रोडक्ट खरीदेगा। अगर कस्टमर ने इस पर ध्यान नहीं भी दिया ना अमेज़न फुलफिल्ड पर, तो समय तो वहां पर वह शो होता ही है जब वह प्रोडक्ट ऑर्डर करता है। अब जिस किसी प्रोडक्ट में कम समय लगेगा तो जाहिर सी बात है कस्टमर उसी सेलर से अपने प्रोडक्ट खरीदेगा या फिर उसी के ही प्रोडक्ट खरीदेगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यहाँ पर ये मिलता है कि यहाँ पर आपको रेटिंग अच्छी मिलती है, ऑर्डर ज्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ पर समय काफी कम लगता है ऑर्डर डिस्पेच और प्लेस होने में। इसके अलावा कस्टमर का एक ट्रस्ट बना हुआ होता है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा 90 से 95% जो भी सेलर्स हैं वह FBA के माध्यम से ही अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो आप अभी खुद ही amazon.in पर आइए और कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी, चाहे वो छोटी से छोटी वस्तु हो या फिर बड़ी से बड़ी वस्तु हो, मैं आपको यहाँ पर एक सबसे छोटी वस्तु दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर सबसे छोटी वस्तु भाई क्या सेल हो रहा है यहाँ पर, चलिए मैं पेन देख लेता हूँ। 50 रुपए का पेन है, ठीक है। इस पर भी मैं अगर यदि क्लिक करता हूँ तो ये भी देखिए ये सेलर भी भाई amazon FBA के माध्यम से अपने इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। ये पावर होता है FBA का। यहाँ पर सभी में देखेंगे जिन जिन पर अगर यदि आपको FBA यानी कि फुलफिल्ड बाय Amazon नजर आ रहा है उनकी रेटिंग काफी हाई रहती है और कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट देखने से पहले रेटिंग जरूर देखता है। यहाँ पर काफी हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं और इनकम इंक्रीज होने के। तो जैसे कि आपने देखा बहुत कम ही सेलर्स हैं जो कि यहाँ पर स्वयं ही Amazon पर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ज्यादातर सेलर FBA के थ्रू ही अपने सारे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब FBA में अगर यदि आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो ये तो हमने जान लिया कि FBA होता क्या है। अब हम बात करेंगे कि FBA में आप अपने अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो देखिए FBA में आप अपने अकाउंट बनाने के लिए Amazon FBA की वेबसाइट में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको दो प्रकार के अकाउंट मिलते हैं, एक इंडिविजुअल और दूसरा प्रोफेशनल। इंडिविजुअल में अगर यदि आप रजिस्टर्ड करते हैं यहाँ पर आपको $1 फी पे करना होता है, लेकिन यहाँ पर आप ज्यादा प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते यानी कि Amazon वेयरहाउस में नहीं रखवा पाएंगे, इसकी एक लिमिट है ज्यादा से ज्यादा 100 प्रोडक्ट। लेकिन वहीं पर आप प्रोफेशनल अकाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप चाहे जितने प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर आपको अच्छी सर्विस भी देखने के लिए मिलती है क्योंकि यहाँ पर आपने उनका प्रीमियम हाई सर्विस लेकर के रखा हुआ है। और बात करें हम प्रोफेशनल अकाउंट की तो यहाँ पर लगभग $40 की फीस आपको पे करनी होती है। तो इन दोनों के बीच अगर प्राइस की बात करें तो आपको काफी डिफरेंस देखने के लिए नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर यदि आप प्रोफेशनल अकाउंट के साथ जाते हैं तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आप चाहे जितने प्रोडक्ट्स यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर यदि हम बात करते हैं फीस की यानी कि कमीशन की, तो अगर इंडिविजुअल में जाते हैं आपको कमीशन वहाँ थोड़ा हाई देखने के लिए मिलता है जो कि Amazon आपसे लेता है। वहीं पर हम बात करते हैं प्रोफेशनल अकाउंट की तो यहाँ पर आपको कमीशन आपको यहाँ पर थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है जो Amazon आपसे लेता है, तो यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा बचत हो जाती है। अगर यदि आपका पहले से ही amazon.in में सेलर अकाउंट है और आप उसे FBA में मूव करना चाहते हैं तो इजिली मूव भी कर सकते हैं। और इसके अलावा पहले आपके amazon.in में जो भी प्रोडक्ट लिस्टेड है आप उसे FBA में मूव कर सकते हैं, यानी कि आपके जितने भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी यहाँ पर है तो आप वहाँ पर FBA में भी दर्शा सकते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूँ FBA सेलर डैशबोर्ड, तो काफी फ्रेंडली डैशबोर्ड है, बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप अपना सारा वर्क हैंडल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बात करूँ Amazon सेलर अकाउंट की। बाकी FBA में अकाउंट कैसे बनाया जाता है, अगर यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। अगर ज्यादा कमेंट आते हैं इस वीडियो पर और लाइक आते हैं तो मैं जरूर से FBA पर पूरा का पूरा एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप भी FBA में अपना सेलर अकाउंट बनाकर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकें। अब आते हैं हम अपने और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। देखिए ज्यादातर जो Amazon में प्रोडक्ट अभी सेल हो रहे हैं जितने भी सेलर हैं, तो आपने जैसे कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट में यहाँ पर बताया था, आप Amazon में जो भी प्रोडक्ट देखते हैं तो वह प्रोडक्ट किस सेलर के द्वारा सेल किया जा रहा है उस सेलर का नाम शो होता है और इस प्रोडक्ट को पूरा पैक करके आप तक कौन पहुंचाएगा तो यह भी यहाँ पर शो होता है। तो ज्यादातर प्रोडक्ट में आपको यहाँ पर FBA ही नजर आएगा कि यह प्रोडक्ट जो है Amazon ही पैक करके डिस्पैच करेगा, तो यहाँ पर ट्रस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है कि यह प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, कौन पैक कर रहा है। तो वहाँ पर Amazon का नाम देखता है तो उसको एक ट्रस्ट बैठ जाता है कि हमारे पास में जो भी प्रोडक्ट आएगा तो वो सही प्रोडक्ट ही आएगा। और अगर यदि कस्टमर सिर्फ सेलर नेम देखता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट यानी कि सेलर को ही देखता है, तब वहाँ पर उसका ट्रस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है कि कहीं सेलर उसके साथ फ्रॉड ना कर दे, पुराना सामान ना दे दे, इस प्रकार के काफी सारे डाउट्स कस्टमर के दिमाग में रहते हैं। तो यही रीजन है कि सबसे ज्यादा ऑर्डर FBA सेलर को ही आते हैं, यानी कि जो भी सेलर FBA में अपना अकाउंट बनाकर रखा है उसे नॉर्मल सेलर के अकॉर्डिंग अगर यदि हम बात करें तो 60 से 70% ज्यादा ऑर्डर आते हैं और साथ ही साथ रिटर्न के चांसेस काफी कम होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जितने भी FBA सेलर हैं वह इसमें काम कैसे करते हैं। तो देखिए जितने भी ज्यादातर सेलर हैं तो उन्होंने खुद का ही अपना ट्रेडमार्क लेकर के रखा हुआ है, उन्होंने कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसी नीश पर काम कर रहे हैं, वह कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसे कि वह अपने ही ब्रांड के नाम से सेल कर रहे हैं और अपने ब्रांड का वह ट्रेडमार्क लेकर के रखे हुए हैं कि कोई दूसरा नया सेलर उनके
इस नाम का उपयोग ना कर सके और उनके इस लोगो का इस्तेमाल ना कर सके। तो ऐसे जो सेलर हैं जिन्होंने खुद का ट्रेडमार्क लेकर के रखा हुआ है, खुद का ब्रांड बना करके रखा हुआ है, तो वह बल्क में सामान लेते हैं। बल्क में काफी सारे सेलर बल्क में ही प्रोडक्ट यहाँ पर लेते हैं। अब तो काफी सारी B2B वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है और तो और अमेज़न ने भी अपना B2B प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से आप सेलर या होलसेलर जो भी हैं, जो कि रिटेलर तक अपना सामान बेचना चाहते हैं, तो ऊपर ही आप अपना सामान खरीद कर नीचे रिटेलर को सेल कर सकते हैं। तो बिजनेस टू बिजनेस जो भी सामान खरीदा जाता है उससे बोलते हैं B2B। तो अमेज़न ने भी अपना यहाँ पर B2B प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और यहाँ पर आप अगर यदि अमेज़न से भी B2B कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो अमेज़न B2B प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करके जो भी प्रोडक्ट अमेज़न में सेल हो रहे हैं तो उन्हीं सेलर से होलसेल में यानी कि बल्क में वह सामान सस्ते में खरीद सकते हैं। देखिए बल्क में सामान खरीदने के लिए आज काफी सारी वेबसाइट मार्केट में आ चुकी हैं, जैसे कि इंडियन मार्ट, उड़ान, और ठीक इसी प्रकार से अमेज़न ने भी अपना B2B प्लेटफॉर्म निकाल दिया है यानी कि अमेज़न बिजनेस के नाम से। अगर यदि आप अमेज़न में भी अगर यदि अपना प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जो कि आपको अमेज़न में ही सेल करना है तो अमेज़न बिजनेस अकाउंट बना करके वहां पर आप अमेज़न में ही जो होलसेलर हैं उनसे आप सामान खरीद सकते हैं। और अगर यदि मैं बात करूं ग्लोबल B2B प्लेटफॉर्म की तो यहां पर सबसे ज्यादा आज 90% लोग जो भी सामान खरीदते हैं, चाहे वो अमेज़न की बात करूं, फ्लिपकार्ट की, तो यहां पर लोग अलीबाबा से अपने सभी प्रोडक्ट खरीदते हैं। अलीबाबा क्या है इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं कि अलीबाबा क्या है और उससे आप सामान कैसे मंगवा सकते हैं। देखिए अलीबाबा एक चाइना की सबसे बड़ी वेबसाइट है, ये चाइना की नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी B2B वेबसाइट है, जहां पर चाइना के सभी मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है वह अपने प्रोडक्ट यहां पर लिस्ट करती है और दुनिया भर से लोग इन कंपनियों से अपने पसंद के अनुसार कस्टमाइज प्रोडक्ट रेडी करवा करके वहां से अपने देश अपने शहर तक मंगवाते हैं और फिर उसे अपने मनमर्जी दाम में बेचते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि चाइना के प्रोडक्ट काफी सस्ते पड़ते हैं और आज लगभग आपके घर में और आप जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं सभी चाइना से ही बनकर आता है, यहां तक कि आपके मोबाइल लैपटॉप के पार्ट्स भी चाइना से ही बनकर आते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी जो है वह चाइना से ही अपने प्रोडक्ट और अपने प्रोडक्ट के पार्ट्स को बनवाती हैं और उसे असेंबल करके अपने देश अपने शहर में बेचा करती हैं और अधिक मुनाफा कमाती हैं। ठीक इसी प्रकार से अमेज़न के काफी सारे सेलर्स जो हैं वह अलीबाबा से भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं और अपना ब्रांड प्रिंट करके अपना लोगो लगा करके उसे मार्केट में अलग अलग प्लेटफॉर्म में अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों में उसे सेल करते हैं। और मैं बात कर रहा था FBA की। FBA में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेलर हूँ, ये मोबाइल ट्राइपॉड है, इसे सेल करना है, तो मैं अलीबाबा पर जाकर के या फिर अपने इंडिया मार्ट में या फिर किसी भी B2B प्लेटफॉर्म में जाकर के इसे सर्च करूंगा, इसका प्राइस वहां पर लूंगा और वहां पर मैं थोड़ा उनसे मोल भाव भी करूंगा, जो भी मेरा फाइनल अमाउंट निकल करके आएगा मैं बल्क में उसे खरीद कर उसे अपने सेलर प्लेटफॉर्म में सेल कर दूंगा। तो दो प्रकार से आज अमेज़न पर लोग बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया डायरेक्ट सेलर अकाउंट बनाकर खुद ही प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं या फिर दूसरा डायरेक्ट ही मैंने इंडिया मार्ट से या फिर उड़ान से या फिर अलीबाबा से इस प्रोडक्ट को अपने पास नहीं मंगवाया, ऑर्डर दिया और मैंने सीधे ही अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके अमेज़न FBA में वहां पर उसे लिस्ट कर दिया यानी कि उनके वेयर हाउस में पहुंचा दिया, तो वहां पर मेरा ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस बच गया और सीधे ही अमेज़न वेयर हाउस में मेरे प्रोडक्ट्स पहुंच गए और अब मेरी झंझट खत्म, अमेज़न वेयर हाउस में मेरे प्रोडक्ट वहां पर रखे जाएंगे और जो भी मैंने खरीदा तो मुझे तो पता है कि उसके ये प्रोडक्ट्स हैं और इतनी क्वांटिटी है तो मैं अपनी इन्वेंटरी यहां से मैनेज करता जाऊंगा, बस फर्क इतना है। और अमेज़न FBA में अमेज़न आपसे चार्ज लेता है, आप वहां पर जितना भी स्पेस ले रहे हैं स्पेस का चार्जेस लगता है और इसके अलावा आपसे जो भी वहां पर वर्कर्स होते हैं जो कि आपके सभी प्रोडक्ट को मैनेज करते हैं वहां पर उठाधरी में वह फीस अलग चार्ज करता है और प्रोडक्ट सेल होने में जो भी पैकेजिंग मटेरियल में खर्चा आता है वह आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को किस प्रकार से पैक करवाना चाहते हैं। जो भी चीज आप FBA के माध्यम से पैकेजिंग करवाएंगे वहां पर आपको उसका एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड होता जाएगा। अगर यदि आप कार्टून में पैक करवाते हैं तो अमेज़न वेयरहाउस में आपके प्रोडक्ट को उसके साइज के अनुसार कार्टून में पैक कर दिया जाएगा लेकिन वहां पर उसका भी चार्जेस आपको ऐड हो जाएगा। पॉली बैग अगर यदि लेते हैं तो उसका चार्जेस ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार के जो भी पैकेजिंग मटेरियल आप वहां पर अपने प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए पैक करवाते हैं उसका चार्जेस आपको ऐड होता जाता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोडक्ट में पैकेजिंग मटेरियल किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वालिटी का पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्रोडक्ट डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं तो यहाँ पर आपको लॉस भी कम होता है। सस्ते पैकेजिंग मटेरियल के चक्कर में आपके प्रोडक्ट डैमेज होते हैं तो यहाँ पर 10 रुपए बचाने के चक्कर में आपका 100 रुपए भी हाथ से चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने समझ लिया है कि FBA क्या होता है। अब अगली वीडियोस में मैं आपको अलीबाबा, उड़ान, इंडियन मार्ट और FBA अकाउंट के बारे में वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और भी ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियोस में, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।